आज मैंने बनाया है पिज्जा, लेकिन विद अ हेल्दी ट्विस्ट। इसे मैंने सूजी से बनाया है, तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। हेल्दी सूजी पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी का घोल बना लेते हैं। तो मैंने लिया है 1 कप सूजी। मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप दही। दही थोड़ा पतला है और 1 से 2 दिन पुराना दही भी चलेगा। और 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं और एक बार सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। दही और सूजी को मिक्स कर लिया है और जो घोल है वो आप देख रहे हैं काफ़ी थिक है, तो इसमें हम डालते हैं पानी। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप पानी और एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। और ये हमारा सूजी का घोल बिल्कुल तैयार है और इसे अब हम ढककर 15 से 20 मिनट तक के लिए रख देते हैं, जिससे कि सूजी फूल जाएगी। तो फ्रेंड्स, जब तक सूजी फूल रही है तब तक हम सारे वेजिटेबल्स को भी थोड़ा सा भून लेते हैं। वेजिटेबल्स को भूनने के लिए हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा ऑलिव ऑयल नहीं लेना है। और इसमें हम सभी वेजीज डालते हैं, तो मैंने लिया है थोड़े से चॉप्ड कैप्सिकम, जिसे मैंने डाइस में स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। थोड़े से येलो बेल पेपर, 1 छोटा प्याज, 2 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न्स। मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है जिसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, बेबी कॉर्न्स। और सभी को हम हाई फ्लेम पर रखकर 2 से 3 मिनट तक के लिए सॉटे कर लेंगे, जिससे फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा आएगा। नॉर्मली पिज्ज़ा में सब्जियों को भुनने की ज़रूरत नहीं होती है, इसे हम डायरेक्टली बेक कर लेते हैं। बट आज मैं हेल्दी सूजी पिज्ज़ा बनाने जा रही हूँ, तो सब्जियों को थोड़ा सा भुन लेंगे तो फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा आएगा। तो सभी सब्जियों को मैंने स्लाइटली भुन लिया है और अब हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं और सब्जियों को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। 15 मिनट हो गया है, तो चलिए अब हम खोल कर देख लेते हैं। तो देखिए, सूजी बिल्कुल फूल गई है और जो पानी है वो अब्सॉर्ब हो गया है, ये थोड़ी थिक हो गई है। तो इसमें हम ज़रूरत के अनुसार फिर से थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और हमें इसका बिल्कुल मीडियम थिक घोल बनाकर तैयार करना है। इससे पहले भी मैंने सूजी पिज्ज़ा बनाया था, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो आज मैं कुछ डिफरेंट स्टाइल में हेल्दी सूजी पिज्ज़ा बनाने जा रही हूँ, जिसे बच्चे ज़रूर पसंद करेंगे और आप इसे पार्टी या स्टार्टर्स में भी सर्व कर सकते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी है घोल की, हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और अब हमें इसका पिज्ज़ा बनाना है, तो हम लेते हैं एक और बोल और सूजी में हमें सोडा डालना है, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हम सभी घोल में एक साथ सोडा नहीं डालेंगे, नहीं तो जो सोडा का इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है और फिर जो सूजी है वो बिल्कुल भी फूलेगी नहीं। तो 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया है और 1 पार्ट को हम साइड रखते हैं और इसमें हम डालेंगे सोडा। तो सोडा डालने से पहले हम पैन को भी अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो पिज्ज़ा बनाने के लिए मैंने लिया है सेम पैन, तो हम डालते हैं इसमें 1/2 टीस्पून इनो। और इनो डालकर हम बिल्कुल फास्ट काम करेंगे, हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है। और इसको हम हीटेड पैन में डालेंगे, हमें जितना बड़ा पिज्ज़ा बनाना है उतना ज़्यादा घोल में हम इनो डालकर पैन में फैला सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ बड़े साइज़ का पिज्ज़ा और अब इसके चारों ओर हम डालते हैं थोड़ा सा तेल और टॉप में भी हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसे अब हम कवर करके 2 से 3 मिनट तक के लिए पकने देते हैं। 2 मिनट हो गया है, चलिए अब हम पैन को खोलकर देखते हैं। तो देखिए, सूजी फूल गई है और ऊपर का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो इसी समय इसे हम पलट देते हैं, हम बिल्कुल जेंटली एजेस को निकालेंगे और इसे हम पलट देंगे और इसके चारों ओर हम फिर से ऑयल डालते हैं और मीडियम फ्लेम पर करके हम 2 मिनट तक के लिए नीचे की तरफ से ऐसे ही सिकने देते हैं। इसे अब हमें ढकना नहीं है। तो फ्रेंड्स, देखने में लग रहा है ना बिल्कुल पिज्ज़ा जैसा, 2 मिनट नीचे से कुक कर लिया है। एक बार इसे हम पलट कर देख लेते हैं। हाँ, तो ये नीचे से पूरी तरीके से कुक हो गया है, इसे हमें और कुक नहीं करना है। एक बार इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और बाकी बचे घोल में भी ऐसे ही हम सोडा या इनो डालकर पिज्ज़ा बना लेते हैं।
तो फ्रेंड्स, मैंने दो पिज्जा बनाकर टोटल घोल से रेडी कर लिया है और चलिए अब इसकी हम टॉपिंग करते हैं। तो टॉपिंग करने के लिए मैंने लिया है एक पिज्जा बेस और इसके ऊपर हम लगाते हैं पिज्जा पास्ता सॉस। पिज्जा पास्ता सॉस मैंने घर में भी बनाया है, तो इसकी रेसिपी देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं पिज्जा पास्ता सॉस घर में कैसे बनाएं। अब इसके ऊपर हम थोड़े से ब्लैक पेपर डाल देते हैं, थोड़े से पिज्जा सीजनिंग, थोड़ा सा नमक। नमक मैंने बेस में भी डाला है तो बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। और अब हम सभी टॉपिंग्स को अरेंज करते हैं। मैंने ब्लैक ऑलिव्स का भी यूज़ किया है और ग्रीन ऑलिव्स भी हम लगाते हैं। टॉपिंग्स मैंने फैला दिया है और अब इसके ऊपर हम डालते हैं ग्रेटेड मोज़रेला चीज़। चीज़ के बिना तो पिज्ज़ा बिल्कुल ही अधूरा है। और अब इस पिज्ज़ा को हम फिर से रखते हैं गरम पैन में, बिल्कुल स्लाइटली हमें इसे रखना है। और मैंने पैन को थोड़ा सा हीट कर लिया है और अब इसे हम कवर करके लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि चीज़ पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो गया है, अब चलिए हम ढक्कन को खोलकर देख लेते हैं। तो ये देखिए, चीज़ पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है। तो अब हम पिज्ज़ा को पैन से बाहर निकालेंगे और इसे अब हम रखते हैं सर्विंग प्लेट में। तो फ्रेंड्स, हेल्दी सूजी पिज्ज़ा बिल्कुल तैयार हो गया है और आप देख रहे हैं ये नीचे का बेस जो है बिल्कुल पक गया है और थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया है। और अब इसके ऊपर हम डालते हैं थोड़े से पिज्ज़ा सीजनिंग। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और अब हमें इसे सर्व करना है, तो चलिए इसे हम स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक स्लाइस उठाकर हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा हेल्दी सूजी पिज्ज़ा बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। आज मैं आपको कुछ छोटे टिप्स दूंगी कि आप नीचे का जो बेस है उसको हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पर रखकर नहीं सेकेगा, नहीं तो जल जाएगा। और सोडा ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो ये फूलेगा नहीं। और कम डालेंगे तो भी पिज्ज़ा फूलेगा नहीं। तो ये छोटी छोटी टिप्स आप ध्यान में रखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।